जब से हरिजन एक्ट लागू हुआ, मानो हर मामले में अब अन्य समाजों का जीना दुश्वार हो गया, जिससे आए दिन पुलिस प्रशासन को जिले में किसी अन्य समाज पर हरिजन एक्ट में प्रकरण दर्ज करना एक मजबूरी हो गई। ऐसा ही एक मामला पवन रघुवंशी निवासी भूतमढ़ी के खिलाफ आरून थाने में हरिजन एक्ट में झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया गया, जिसे लेकर रघुवंशी समाज के युवाओं में रोष व्याप्त है। जिसे लेकर आज युवाओं द्वारा आरून थाने में हरिजन द्वारा SC/ST मामले में दर्ज मामले की जांच कर युवकों द्वारा न्याय दिलाने की मांग की है। दरअसल पवन रघुवंशी शुक्रवार को सुबह थ्रेसर से फसल निकालने अपने खेत पर जा रहा था, तभी गांव के ही रामबाबू और राकेश हरिजन द्वारा उस पर डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद प्रबल रघुवंशी एवं कैलाश हरिजन द्वारा युवक की जान बचाई गई, लेकिन तब तक तो हरिजन एक्ट में प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। इस मामले को लेकर आनंद रघुवंशी ने बताया कि पवन रघुवंशी के मामले में SP साहब निवेदन किया है कि मामले की जाँच की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गुना से सोनू श्रीवास्तव जी, बताएं भाई साहब, आज किस संबंध में आप SP ऑफिस में ज्ञापन देने आए थे? ये मेरे पास आरोन क्षेत्र के लोगों से सूचना प्राप्त हुई, एक झूठी रिपोर्ट घटावदा में भूतमढ़ी घटावदा पंचायत में की गई है। एक ST/SC एक्ट के संबंध में झूठा केस लगवाया गया है, उसके संबंध में SP साहब के पास एक निवेदन करने आए थे। यह कोई ज्ञापन नहीं था, सब लोग गांव के सभी पूरी पंचायत के लोग आए हुए हैं, उनका कहना था कि आप SP साहब के पास चलो और हमारी बात वहां तक तथ्यात्मक तौर से रखी हो जाए और उसकी विधिवत जांच हो जाए वरिष्ठ अधिकारियों से, SDOP साहब या CSP के माध्यम से जाँच हो जाए और उसमें जो भी फिर जाँच उपरांत जो मामला बनता है वो बने, लेकिन किसी भी प्रकार का झूठा ST/SC एक्ट ना लगे। तो आपको SP साहब से क्या आश्वासन दिया गया है? SP साहब ने जांच के निर्देश दिए हैं, उसमें SDOP कार्यालय के लिए लिखा है, उसमें विधिवत जांच करने के लिए, जांच उपरांत जो भी अगली कार्रवाई होगी उस संबंध में फिर दोबारा से जरूरत पड़ेगी दोबारा भी मिलेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का झूठा केस चाहे वो सामान्य समाज को हो या सामान्य समाज के द्वारा किसी भी SC/ST के व्यक्ति के ऊपर हो या पिछड़ा वर्ग के ऊपर हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। किसी के साथ भी गलत ना हो, न्याय उचित कार्रवाई हो। यदि किसी का वास्तविक झगड़ा हुआ है और झगड़े में चोटें आई हैं, मेडिकल बोलती है और इस तरह कोई उद्बोधन हुआ है तो केस लगना ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो किसी भी समाज के ऊपर ना हो। क्या नाम है आपका? आनंद रघुवंशी हूँ, जिला मंत्री हूँ गुना से, भाजपा से।